ऑलराइट, सो पीएचपी का सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पीएचपी के अंदर मैंने आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट के बारे में। सो वेलकम रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, बिगिनर टू एडवांस ये कोर्स रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, आप लोगों को इसका एक भी पे नहीं करना है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार ये बेसिकली बिगनर टू एडवांस तो रहेगा, हम लोग इसको कैसे समझ रहे होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे होंगे। बात करते हैं रिएक्ट जेएस होता क्या है। तो गाइज हम लोग बात करें रिएक्ट जेएस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो रिएक्ट इंट्रोडक्शन, रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग UI, मतलब यूजर इंटरफेस। तो रिएक्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। आपसे कोई भी बंदा पूछे कंपनी के अंदर या फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट का कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन किया जाएगा कि यार रिएक्ट जेएस क्या है, तो आप लोग बोल सकते हो रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, आपकी एक जावास्क्रिप्ट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी एक लाइब्रेरी है रिएक्ट, ठीक है। सो इससे हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे UI डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। और बात की जाए हमारे सेकंड फेज की, तो रिएक्ट इज़ यूज टू बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आपका YouTube है, आप लोग अभी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर हो, ठीक है, और आपको जाना है गाइस वीडियोज़ वाले सेक्शन के अंदर। तो आप लोग जैसे वीडियोज़ वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज लोड नहीं होगा, आपको ऐसी फील आएगी जैसे किसी सॉफ्टवेयर पर मैं काम कर रहा हूँ, किसी सॉफ्टवेयर को मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसी फील आएगी नहीं कि यार मैं किसी वेबसाइट पे हूँ और काफ़ी चीज़ आपको नई नई चीज़ सिखा के जाएगा ये। तो अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो आप लोग रिएक्ट जेएस का यूज़ करो, काफ़ी पॉपुलर यार लाइब्रेरी है, काफ़ी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है इसकी दिन बाय दिन, काफ़ी नए नए डेवलपर्स सामने आ रहे हैं जो रिएक्ट जेएस को जानते हैं और उसके अंदर एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेब एप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बात करते हैं रिएक्ट अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल UI कॉम्पोनेंट्स। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट में से छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके एक पूरी एप्लीकेशन को क्रिएट कर देता है। अभी UI कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट्स किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम लोग हमारे कोर्स के अंदर ज़रूर समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना समझो कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के अब कोई भी चीज़ हमको बनानी होती है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग HTML, CSS और JavaScript के अंदर जो कोड आप लोग 10-10 लाइन में कर रहे थे, वो आप लोग काफ़ी कम लाइन के अंदर ये चीज़ कर सकते हो, और यही इसका पॉपुलरिटी का काम है कि ये कम कोड के अंदर आपका उतना काम बना देता है। तो रिएक्ट की हिस्ट्री की बात की जाए ना, तो फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वाल क्रेडिट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फेसबुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नाम था इनका जॉर्डन वाल की, और यहाँ पे इन्होंने इसको बना दिया था। अब क्यों बनाया था, क्योंकि रिएक्ट जेएस वाज फर्स्ट यूज्ड इन 2011 फॉर फेसबुक न्यूज़ फीड फ्यूचर्स बेसिकली, ठीक है। तो जो न्यूज़ फीड फ्यूचर्स था उसको बनाने के लिए फेसबुक के अंदर, जो आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो उसके अंदर आप लोग देखा होगा कि न्यूज़ फीड का एक फ्यूचर आता है, उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने रिएक्ट जेएस को बनाया था और उसका यूज़ किया था 2011 के अंदर। और बेसिकली इनिशियल रिलीज टू द पब्लिक वर्जन 3.0 पब्लिक इन जुलाई 2013 के अंदर, इसका ओपन सोर्स वर्जन जो कोई भी यूज़ कर सकता है, गिटहब पे इसका कंप्लीट कोड रखा हुआ है, और काफ़ी डेवलपर्स आके इसमें चेंजमेंट करते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें बनती रहती हैं, तो इसको इन्होंने बना के आपको सौंप दिया था, क्योंकि पब्लिक अब इसको यूज़ कर सकती है, आप अपने एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हो। ऑलराइट, सो आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर क्लियर हुआ, जब आप लोग कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे तब आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर और कवर होंगी, डोंट वरी। सो अब हम लोग बात करते हैं कि यार व्हाट डज रिएक्ट जेएस एक्चुअली डू, मतलब एक्चुअली में हम लोग समझे तो एक्चुअली यार क्या है। तो रिएक्ट जेएस इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी मैंने पहले बता दिया, दैट इज़ यूज टू बिल्डिंग UI स्पेसिफिकली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज टू फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर और वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। रिएक्ट आल्सो अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल UI कॉम्पोनेंट्स। तो गाइज कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, या फिर आप लोग कम कोड के अंदर लिखे जाने वाली एप्लीकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके, आप लोग इसके अंदर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है और काफ़ी पॉपुलरिटी है इसके अंदर, काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है गाइस ये, और हम लोग इसमें काफ़ी अच्छे UI बनाएंगे। इनफैक्ट ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको नहीं चलना, हम लोग इसको रियल प्रैक्टिकली अंदर भी समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के अंदर आप लोग अपना
क्वेरी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को रिएक्ट जेएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी कंपनीज इसकी आज डिमांड कर रही हैं। अगर आप लोगों को HTML CSS JavaScript आती है पहले से तो आप लोगों को कौन सी लाइब्रेरी आती है JavaScript की उसकी भी डिमांड है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ऑलराइट सर, बात करें प्रीरिक्विजिटीज लर्न टू रिएक्ट जेएस। ऑलराइट सो पहले मुझे क्या आना चाहिए, पहले मुझे क्या सीखना है रिएक्ट जेएस को सीखने से पहले? तो कहने का सिंपल सा मतलब है आपको HTML आनी चाहिए, आप लोगों को CSS आनी चाहिए और आपको हल्का फुल्का JavaScript आनी चाहिए। इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं, थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप लोग डेफिनेटली सीख कर सकते हो रिएक्ट जेएस पे और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको डिटेल के अंदर बताऊँगा। कल हम लोग इसकी आइडल जो हम कोड लिखेंगे, कहाँ पर वो कोड लिखेंगे, उसको डाउनलोड करना सीखेंगे, रिएक्ट जेएस को हम लोग डाउनलोड करेंगे सिंपली, ठीक है। और बात करेंगे गाइज इसके कुछ और भी एक्सटेंशन के बारे में जो हमको हेल्प करेगी रिएक्ट जेएस का कोड लिखने के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली कल के वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रिएक्ट जेएस के बारे में, आपको कौन सा इंट्रोडक्शन के पार्ट आपको समझ में नहीं आया, अभी आपको कन्फ्यूजन है कि यार सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है और बेसिकली और भी 10 तरीके की चीज़ें के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मुझे कमेंट करना, आपको प्रॉपरली मिलेगा। और आप लोग अपने इंटरनेट पर जाके गूगल पर भी एक बार पढ़ लो रिएक्ट के बारे में, थोड़ा और बेटर तरीके से आपको वहाँ पर समझाया जाएगा और बेटर तरीके से आपको वहाँ पर एक्सप्लेन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली आपको बता दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। और अब हम लोग हमारे कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से गाइज हम हमारे कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, हम लोग डाउनलोड वगैरह करेंगे कुछ इसके आइडल और कुछ नोट जेस वगैरह। अभी क्या है नोट जेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।